Hello students, today we are going to start with a new topic, which is your past perfect continuous tense. So far we have completed with our present tense, and now we are doing our past tense, and the last tense in the past tense is your past perfect continuous tense. So first look into the conditions, where do we use past perfect कंटिन्यूअस टेंस. पहले देखते हैं कि आखिर हम इसे यूज कहाँ करेंगे, इसका यूजेज है क्या. सो द फर्स्ट कंडीशन इज वी कैन से इट इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन. So, it is used to give information about long continuous process that stopped in the past. That means, कोई काम ऐसा था जो काफी समय तक past में चलता रहा, काफी long time वो चला, लेकिन वो रुक गया, लेकिन अभी अभी नहीं रुका. अगर हम कहेंगे कि वो अभी अभी रुका है, then it will be a present perfect continuous tense. But हम बात कर रहे हैं कि वो काम past में कुछ समय पहले रुक चुका है, लेकिन हम बात वहाँ सिर्फ उसके रुकने की नहीं करेंगे, बट बात कर रहे हैं उसके चलने की और फिर रुकने की. सो इन दैट केस वी यूज दिस. सो लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल. इफ आई से इट हैड बीन रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही थी, मतलब अभी जब मैं उठी तब नहीं हो रही थी, लेकिन पहले हो रही थी और बारिश कुछ समय के लिए चली आपका. सो इट हैड बीन रेनिंग, जिस समय लेट्स से मैं सुबह उठी और मैंने खिड़की से बाहर देखा, अरे बहुत पानी पानी है चारों तरफ, देयर इज लॉट ऑफ वाटर लॉजिंग और सारा रोड्स वेट है, तो इसका मतलब बारिश हो रही थी. कब? रात को. लेकिन जब मैंने देखा वो रुक चुकी थी, राइट. सो इट हैड बीन रेनिंग. आई एम वेरी टायर्ड, आई वॉज टायर्ड. I was tired because I had been working hard all day. मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी. मे बी मुझे कल अपना रिपोर्ट सबमिट करना है, या कल कोई प्रोजेक्ट है मेरा जो मुझे सबमिट करना है, उसके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही थी. सो द थिंग इज आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड. तो हार्ड वर्क मैंने पूरा दिन किया था, लेकिन जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ वो प्रोसेस रुक चुका है, उसकी बात वहाँ नहीं हो रही है. सो दिस इज योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेट्स लुक इनटू द अनदर कंडीशन, वेयर डू वी यूज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द अनदर कंडीशन इज So the another condition is we use it with the action, with any action that stopped in the past before another action that also stopped in the past. Means do action hue, log pehla action hua wo khatam hua, uske baad dusra action hua. So us case mein jo hamara pehla action hai jiski jo ruk gaya kisi karan se, kisi dusre action ki wajah se, uske sath hum hamesha past perfect continuous tense ko use karte hain. Like if I say Louis had been painting her bedroom
before she ran out of paint, right? तो लुई अपना बेडरूम जो है वो पेंट कर रही थी बिफोर शी रन आउट ऑफ द पेंट, इससे पहले कि उसका पेंट खत्म हो गया, मतलब उसके पास जो भी पेंट था वो पेंट कर रही थी बट सडनली उसका जो पेंट था वो खत्म हो गया, सो शी हैड टू स्टॉप. तो उसका ये जो एक्शन है पेंटिंग का वो कब रुका, जब उसका पेंट खत्म हो गया. सो यहाँ पर हम दो एक्शंस की बात कर रहे हैं, एक है पेंट के खत्म होने की और रूम को पेंट करने. सो शी हैड बीन पेंटिंग द रूम बिफोर हर पेंट, यू नो शी रैन आउट ऑफ हर पेंट. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो एक्शंस की जो साइमल्टेनियसली नहीं लेकिन वन आफ्टर अनदर हुए. सो जो एक्शन हमारा पहले हुआ, जो स्टॉप हुआ बिकॉज ऑफ द सेकेंड एक्शन, उस केस में हम हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं. सो द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट स्टॉप्ड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन दैट ऑल्सो स्टॉप्ड इन द पास्ट. दोनों एक्शन पास्ट में ही स्टॉप हुए लेकिन पहला एक्शन स्टॉप हुआ दूसरे की वजह से. सो विद द फर्स्ट एक्शन वी ऑलवेज यूज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो नाउ लेट्स लुक इन टू द फॉर्मूलाज कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फ्रेम करते हैं. सो लेट्स लुक इन टू द फॉर्मूला और द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द फर्स्ट इज योर पॉजिटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव. द सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर दिस इज subject plus helping verb and the helping verb that we use in case of past perfect continuous tense, that is your had. So rather than saying just a helping verb, we can also use here had, right? Had. After that we will use been here and then the continuous ing form of the verb and your object. In some cases, in some situations, in some sentences, after the object you can also use for or since to show the timings. Like if I say, you know, it had been raining for 3 hours, 3 ghante se barish ho rahi thi. So that also you can say, but I'll not say that we use it definitely in all the sentences, but in some sentences we do use them, right? So that's why I've just written it. If you want to use, you can use that. In case of a negative sentence, it is your subject. Then we have the helping verb had. Then we use not. Then been. Then ing form of the verb with your object. And if for instance, then you can use it here. Then in case of interrogative, हमें पता है हमेशा हम helping verb को पहले ले जाते हैं. So it is had plus subject. Then we have is been. Then ing form. Then object. Then we have is for and since. Now, अब यहाँ पर जैसा हमने पहले भी देखा था प्रेजेंट परफेक्ट के केस में, यहाँ पर जो बीन हम यूज़ कर रहे हैं इट इज़ जस्ट अ जॉइनिंग वर्ड. ये सिर्फ एक वर्ड है जो दो टेंसेस को जॉइन कर रहा है, यू कैन से पास्ट परफेक्ट टेंस एंड योर कॉन्टिन्यूस टेंस. हमने पहले भी देखा था कि जब भी हम कोई दो चीज़ों को जोड़ते हैं हमेशा उसको जोड़ने के लिए हमें कोई वर्ड, कोई एडेसिव, कोई चीज़ लगानी पड़ती है. सो आई नो दैट बीन इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ बी. आई हैव बीन टू लंडन और आई हैव नेवर बीन देयर. लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बीन डजंट हैव अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन. इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जॉइनिंग का काम कर रहा है इस केस के अंदर. नाउ आफ्टर दिस इफ यू सी व्हाट इज द यूजेज ऑफ फॉर एंड सिंस, आई होप आपने अगर हमारे पहले के वीडियो लेक्चर्स फॉलो किए हैं, आपने उनको देखा है तो आपको पता होगा कि कहाँ पर हम फॉर या सिंस यूज करते हैं. बट जस्ट टू ब्रीफ यू अप अगेन, फॉर इज यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. जब हम किसी ड्यूरेशन की, किसी नंबरिंग की बात करते हैं, लाइक 2 घंटा, 4 घंटा, 2 साल, 20 साल, 2000 साल, एनीथिंग, तो उस केस में हम हमेशा फॉर यूज़ करते हैं. एंड सिंस वी यूज़ फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम,
किसी चीज़ के शुरू होने का समय हम बताते हैं, सुबह से बारिश हो रही थी तो सुबह बारिश शुरू हुई, या अगर मैं कहती हूँ 8 बजे से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग, या वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे, लेकिन अगर उसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं 5 घंटे से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 5 hours. So for is used in case of duration of time and since is used for starting point of time. Let's look into some examples taki aapko aur ye cheez clear ho jaye. So if I say as I gave the example, it had been raining, then agar aap kuch kehna chahte hain for 2 hours, 3 hours, you can use that. Here it is, it had not been raining. Had it been raining, if it is a question, then it will be had it been raining. Or if I say, agar main kahun ki main shopping main pad rahi hun, main pad rahi thi, I had been studying whole day. I had not been studying whole day. Had I been studying for the whole day? यहाँ पर in case of past perfect tense, perfect continuous tense, यहाँ पर एक ही helping verb है जो कि सबके साथ use होगा, even with a third person singular. और tenses में हमने देखा कि third person singular के साथ हम अलग helping verbs use करते हैं, but in case of past perfect continuous tense, हम सबके साथ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड को ही यूज़ करते हैं. सो इफ़ आई से आई हैड बीन स्टडिंग, राइट, अगर मैं आई की जगह ही लगा दूँ या शी लगा दूँ, सो इट विल बी शी हैड बीन स्टडिंग होल डे, शी हैड नॉट बीन स्टडिंग होल डे, हैड शी बीन स्टडिंग फॉर द होल डे. सो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो आप इसके बाद आप सेंटेंस को, इसको सेशन को पॉज कर कर आप खुद भी अपने हिसाब से कुछ सेंटेंसेस बनाने को प्लान आउट कर सकते हैं. यू कैन प्रैक्टिस सम मोर सेंटेंसेस इन ऑल द 3 sentences. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम मोर एग्जांपल्स एंड देन वी विल डू सम एक्सरसाइजेस.